अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में वापस से स्वागत है। गोल्ड फिलहाल 1839 चल रहा है, 1945 के आसपास तक गया था गोल्ड, बट ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया 1940 के ऊपर। अभी फिलहाल 1939 चल रहा है, ज़्यादा कोई मेजर मूवमेंट हुई नहीं है कल से। कल ज़रूर ऊपर ओपन हुआ था और उसके बाद 1945 तक चला गया था, लेकिन 1945 जाने के बाद ज़्यादा कुछ मूवमेंट हुई नहीं है। अभी फिलहाल 1940 के आसपास चल रहा है। चलिए आज का रेजिस्टर एंड सपोर्ट देख लेते हैं क्या क्या है मार्केट में। गोल्ड का सपोर्ट है आज का $1925 का, गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का $1951 का। फिलहाल गोल्ड अभी पॉजिटिव जोन में ही है तो अवॉइड कीजिएगा सेलिंग करना। 1925 गोल्ड ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो गोल्ड का ट्रेंड वीक हो जाएगा। 1925 के नीचे 1915 और 1900 तक जा सकता है। 1951 ब्रेक करता है तो बाइंग जो है कंटिन्यू रह सकती है और ज़्यादा बाइंग आ सकती है 1951 के ऊपर। 1951 के ऊपर 1962 और 1975 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड पॉजिटिव जोन में है तो सेलिंग अवॉइड कीजिएगा। अब चलते हैं सिल्वर पे। यह है सिल्वर का चार्ट। 2750 के ऊपर एक बार, दो बार, तीन बार हाई बनाने के बाद अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई थी। 2675 के आसपास चला गया था लेकिन फिर मार्केट रिकवर हुआ और उसके बाद 2745 तक वापस से चला गया था। अभी 2725 के आसपास चल रहा है। अभी भी सिल्वर पॉजिटिव जोन में ही है। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। सिल्वर का आज का सपोर्ट है 2685 का। सिल्वर का रेजिस्टेंस है आज का 2765 का। फिलहाल सिल्वर पॉजिटिव जोन में ही है तो अवॉइड कीजिएगा सेलिंग करना। 2685 ब्रेक करती है और सस्टेन करती है तो 2650 और 2620 तक जा सकती है। 2765 के ऊपर 28 और 2830 भी जा सकती है। फिलहाल गोल्ड और सिल्वर दोनों पॉजिटिव जोन में है तो बाइंग अवॉइड सेलिंग अवॉइड कीजिएगा मेरा मतलब है। अब चलते हैं क्रूड ऑयल पे। MCX के मैंने गोल्ड सिल्वर के लेवल वीडियो के लास्ट में दे रखे हैं। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट। कल 49.80 से थोड़ा सा ऊपर गया था, ऑलमोस्ट $50 टच करने की कोशिश की लेकिन क्रूड ऑयल कर नहीं पाया और वहां से एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आई तकरीबन $3 की। 49.85 के आसपास से जो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है, 47.20 का लो बनाया है। आई वॉन्ट बी सरप्राइज कि और नीचे चला जाए, बट अभी फिलहाल 27 मेरा मतलब है 47.60 चल रहा है। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं क्या क्या है। क्रूड ऑयल का आज का रेजिस्टेंस है 48.30 का। क्रूड ऑयल का सपोर्ट है आज का 46.50 का। क्रूड ऑयल अभी भी वीक जोन में है तो अवॉइड कीजिएगा बाइंग करना। 46.50 ब्रेक करता है तो और वीकनेस आ सकती है। अगर 48.30 ब्रेक करता है, 48.30 यानी ये वाला लेवल ब्रेक करता है मार्केट, तो जरूर पॉजिटिव आ सकता है। उसके बाद $49 और 49.80 वापस से जा सकता है। फिलहाल क्रूड ऑयल वीक जोन में है तो बाइंग अवॉइड कीजिएगा। अब MCX के लेवल देखने से पहले एक बार यूरो को देख लेते हैं। यह है यूरो का चार्ट। अगर आपने कल मेरे शाम का वीडियो देखा हो जो मैं अपने इंग्लिश चैनल पे डालता हूँ, मैंने उसमें बता दिया था कि यूरो पॉजिटिव हो चुकी है। तकरीबन यहाँ चल रही थी यूरो, इसके बाद 23.10 के आसपास हाई बनाया, वापस से कोलैप्स हो गई है। अभी वीक जोन में चल रही है, फिलहाल 22.70 के आसपास चल रही है। चलिए आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं क्या क्या है। यूरो का रेजिस्टेंस है आज का 23.05 का। यूरो का सपोर्ट है आज का 22.30 का। फिलहाल यूरो वीक जोन में है तो बाइंग अवॉइड कीजिएगा। 23.05 ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो जरूर यूरो में वापस तेजी आ सकती है 23.80 और 24.50 तक की। चलिए अब चलते हैं MCX के लेवल की तरफ। सबसे पहले गोल्ड को देखते हैं। MCX गोल्ड का सपोर्ट है आज का 51,180।
MCX गोल्ड का रिसेप्शन था आज का 51,375, जो MCX की गोल्ड सिल्वर के लेवल दे रहा हूँ मैं 73 रुपये 31 पैसे के हिसाब से दे रहा हूँ। 5 बजे के बाद वापस से मैं लेवल रिवाइज करूंगा जब INR बंद हो जाएगा। 5 बजे के बाद के लेवल देखने के लिए आप ज्वाइन का बटन दबाइए। ज्वाइन का बटन दबाने के बाद आपको 5 बजे जो मैं लेवल डालता हूँ कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब की, वो आपको दिख जाएंगे। अब देखते हैं सिल्वर, सिल्वर चल रही है 70,270। MCX सिल्वर का सपोर्ट है 69,480। MCX सिल्वर का रेजिस्टेंस है 70,760। अब देख लेते हैं निफ्टी, उसके बाद देखेंगे बिटकॉइन। शुक्र है आज निफ्टी ने एक नया लाइफ टाइम हाई नहीं बनाया, बट 14,100 के ऊपर गई थी निफ्टी एक बार। अभी फिलहाल 14,070 के आसपास चल रही है। अभी भी 100 पॉइंट यहाँ से टूटना बाकी है अगर निफ्टी को वीक जोन में जाना है तो। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं, निफ्टी का आज का सपोर्ट है 13,960 का। निफ्टी का रेजिस्टेंस है आज का 14,160 का। फिलहाल निफ्टी पॉजिटिव जोन में ही है जब तक 13,960 950 ब्रेक नहीं करती। 960 950 ब्रेक करेगी और सस्टेन करेगी निफ्टी तो 13,700 और 13,500 तक जा सकती है। फिलहाल पॉजिटिव जोन में है, आपको जरूर लाल रेड में दिखाई दे रही होगी, रेड जोन में, बट निफ्टी वीक नहीं है, माइनर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। हाँ अगर 13,950 ब्रेक करती है तो जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं छोटा सा एक करेक्शन, बट फिलहाल पॉजिटिव है। अब चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। यह है बिटकॉइन, कल तकरीबन 33,500 से 27,500 तक चली गई थी, ऑलमोस्ट 20% का करेक्शन अपने हाई पीक से। उसके बाद वापस से 33,000 की तरफ चली गई थी, अभी फिलहाल 31,400 चल रही है 30,500 का लो बनाकर। ऐसा लग रहा है रोलर कोस्टर चल रहा है निफ्ट इसमें बिटकॉइन में। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं, बिटकॉइन का रेजिस्टेंस आज का $33,000 का है। बिटकॉइन का सपोर्ट है 27,500 का। फिलहाल बिटकॉइन वीक जोन में है जब तक 33,000 ब्रेक नहीं करती, 33,000 के ऊपर जरूर पॉजिटिव जोन में हो जाएगी। अभी फिलहाल वीक जोन में है। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज लाइक जरूर करके जाइएगा। मेरी पेड सर्विस लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं शाम को भी एक वीडियो अपलोड करता हूँ इंग्लिश में, मेरे इंग्लिश चैनल पे, इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लाइव मार्केट्स के लिए आप टेलीग्राम और ट्विटर ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलूंगा आपको शाम के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।